तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक का 25वां रोज़ा आप सबको मुबारक हो। तो सुबह सहरी का वक्त है, तो सुबह सहरी में हम जो पुलाव लाए थे वही हम लोग खा रहे हैं। और यहाँ पे कॉफ़ी मैंने बना ली और मस्का पाव और कॉफ़ी भी मैंने प्लेट में ले लिया। तो आज सब आज पराठे में आज सब यही सहरी करेंगे पुलाव की। और यहाँ पे देखिए मैं इफ्तार की जो रेडी कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया, सिर्फ एक चिकन जो है हड्डी वाला वो रखा है मैंने, बाकी सब बोनलेस है। और इसे बड़े बड़े पीस रखेंगे बोनलेस पर लंबे लंबे। तो यहाँ पे इसमें डालेंगे नमक, नमक डालने के इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और एक चम्मच डालेंगे सोया सॉस और दो बड़े चम्मच डालूँगी चिली सॉस रेड वाली। तो जो मैं कल वहाँ पे बनाई थी केएफसी चिकन वही चिकन, तो यहाँ पे वही बोले मम्मी वही चिकन बनाओ केएफसी वापस से, तो वही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे जैपनीज सॉस भी मैंने डाल दिया एक बड़ा चम्मच और यहाँ पे दो बड़े चम्मच डालेंगे मायनीज और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। उसमें डालेंगे एक चम्मच चिली फ्लेक्स और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो बहुत मज़े की, बहुत ही बेहतरीन बनते, खाने में बहुत ही टेस्टी होते। तो कल मैंने वहाँ बनाई तो बच्चों ने सबने खाया और बोले मम्मी वापस वही बनाओ। तो मैंने बोला चलो आप लोग से आपको पूरी अच्छे से डिटेल में रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसके मैंने वापस रिपीट ये रेसिपी आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में फैमिली में वीडियो ज़रूर शेयर करें। चिकन मैरिनेट करने के लिए मैं रख दें, यहाँ पे देखिए मैंने चार प्याज ले लिए, दो बड़े हैं और दो छोटे हैं। तो प्याज को इस तरीके से स्लाइसर से मैं स्लाइस कर लूँगी पतली पतली और यहाँ प्याज के पकौड़े बनाएंगे। तो आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत कम इफ्तारी बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो भी बनाया जैसा बनाया अल्लाह का शुक्र। तो यहाँ पे मैंने प्याज के पकौड़े और थोड़े से मैं आलू के पकौड़े बना दूँगी और थोड़े से केएफसी चिकन। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से सारी मैं प्याज को स्लाइस कर लूँगी पतली पतली, देखिए इस तरह। अब इसका बेसन डाल के इसके पकौड़े का बैटर रेडी कर लेंगे। तो पतली पतली स्लाइस, जितनी पतली होगी प्याज की स्लाइस उतने पकौड़े अच्छे बनेंगे प्याज के। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया। अब यहाँ पे हम डालेंगे दो अंडे, अंडे में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, उसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो जो केएफसी हम चिकन बना रहे उसकी कोटिंग करेंगे हम इससे, तो उसके लिए हम इसको बैटर पहले बना लेते हैं। तो बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही ईजी और सिंपल है और बहुत मज़े की बनती है। इसको जितना मैरिनेट करोगे उतना इसका टेस्ट बढ़ता है। तो यहाँ पे नमक डाल के अच्छे से उसको मैं फेंट लूँगी और यहाँ पे हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्ब और कॉर्नफ्लावर का आटा। तो ब्रेड क्रम्ब भी देखिए मैंने पैनको का लिया है और यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर का आटा लिया। तो जो जो चिकन मैरिनेट करे थे कॉर्नफ्लावर में पहले इस तरीके से पूरा अच्छे से कोटिंग करेंगे, फिर अंडे में डिप करके हम इसमें क्या करेंगे ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करेंगे। तो पहले सारी चिकन इस तरीके से पहले अच्छे से हम कॉर्नफ्लावर लगा लेंगे, अल्टी पल्टी करते हुए लगाएंगे हम। अगर बाद में अगर पानी जैसे छूटा अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा तो वापस आप डबल कोटिंग कर सकते हो कॉर्नफ्लावर की। तो यहाँ देखिए वीडियो को फुल वॉच करें और स्किप ना करें, तो स्टेप बाय स्टेप आप ज़रूर देखें, आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर आप लोग ज़रूर ट्राई करें तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करते हो करके। तो यहाँ पे देखिए मैं सोचती हूँ आप लोगों को हर दिन कुछ नया सिखाऊँ, नया बताऊँ और नया कुछ मैं ट्राई करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जितना हो सका उतना मैं आप लोग से रेसिपी शेयर करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना अंडे में कोटिंग कर लिया, अब ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसके हमें ना डीप फ्राई करना है। अब मैंने डीप फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म करने मैंने रख दिया है कढ़ाई में गैस के ऊपर। कल मैं गई थी देवर के घर पर, तो वहाँ मैंने ना जो मेरी यूज़ करती हूँ ट्राईपॉड है वो मैं वहाँ भूल गई। और ये वाला जो ट्राईपॉड है जो स्टैंड वाला जो लग जाता है दीवार में किधर भी वॉल पे, तो ये मुझे इसमें नहीं बन पाती वीडियो बराबर, मुझे नहीं जमता है। तो आज मुझे बहुत परेशानी हो रही थी वीडियो बनाने में, बस जैसे तैसे मैंने बनाई। प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच करना। तो देखिए इस तरीके से डीप फ्राई करके मैंने, देखिए बार बार ना वो स्टैंड बहुत हिलता है ट्राईपॉड जैसा, और वो जो स्टिक वाला जो रहता है ट्राईपॉड वो बहुत सही रहता है, वो मुझे उसी में जमता है वीडियो बनाने में, इसमें बिल्कुल नहीं जमता है। ये बार बार ना झुक जाता है और वीडियो बराबर नहीं आती सारी चीज़ बराबर इसमें। तो आज का मेरा वीडियो इसी में मैंने बनाई और आज की रेसिपी सारी इसी में मैंने शूट की। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो यहाँ देखिए केएफसी चिकन हमारी बनके रेडी हो गई है, डीप फ्राई करना है हमें और यहाँ पे इसको अंडे में इस तरीके से कोट करना है, फिर बाद में ब्रेड क्रम्ब लगाना है। तो स्टिक वाला जो ट्राईपॉड होता है हम जैसा चाहे जहाँ चाहे ना घुमा सकते हैं, और इसमें ऐसा हो जाता है कि हम घुमाने जाए ना तो मोबाइल गिर बंद हो जाता है या तो फिर है ना अलग ही वो पकड़ लेता है, वो मतलब अलग ही पोर्शन इसमें दिखने लग जाता है, तो समझ में ही नहीं आता है। तो फिर भी हबी में जैसे तैसे उन्होंने भी सेट करके दिया, फिर भी लेकिन वो ट्राईपॉड पर ही मुझे अच्छे से जमता है अल्हम्दुलिल्लाह। कल आ जाएगा तो मैं उस पर कल शूट करूँगी।
तो फिर प्याज मैंने एक बाउल में ले लिया, उसमें मैंने नमक डाला स्वाद अनुसार, मैंने मेरे हिसाब से डाला, आप अपने हिसाब से डालें। अब यहाँ पे मैं डालूँगी एक चुटकी खाने का सोडा, ज़्यादा नहीं, एक चुटकी हमें डालना है। अब यहाँ थोड़ा सा बेसन डालेंगे हम, बेसन हमें प्याज के पकौड़े में बेसन हमें कम रखना है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे अच्छे से उसमें बेसन मैंने डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसल लेंगे। अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, और इसमें ना प्याज के पकौड़े में तेल आप गर्म करने पहले ही रख दो, और यहाँ पे तब इसका बैटर बनाओ। इसका बैटर जब भी बनाना हो तो ताबड़तोब हमें फ्राई करना है पकौड़े, इसका बैटर हम बना के नहीं रख सकते। सारे पकौड़े के आप जो भी चीज़ बनाते हो, देखो चिकन की उसको हम बना के रख सकते हैं, लेकिन प्याज के नहीं। तो ताबड़तोब उसको मसल लिया मैंने और उसके पकौड़े बन गए। अब दूसरा बाउल मैंने ले लिया, इसमें डाला मैंने एक कप बेसन का आटा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और इसमें डाल दूँगी एक चुटकी जितना खाने का सोडा, ज़्यादा नहीं। अब थोड़ी सी हरी धनिया कट करके इसमें डाल दूँगी मैं। तो ये आलू के पकौड़े पापा के लिए और प्याज के पकौड़े भी पापा के लिए, पापा चिकन नहीं खाते इसके लिए। तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है हरी धनिया इसमें डालने से, वो बहुत मज़े के बनते हैं, येलो और ग्रीन इसमें ना कलर आ जाता है। और थोड़ा सा मैंने ना जो प्याज पकौड़े का मसाला बनाया था, कुटी हुई धनिया और सौंफ और अक्खी लाल मिर्ची का, वो थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने ऐड कर दिया। अब थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और क्योंकि बैटर हमारा कम है ना इसके लिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही हमें डालना है बेसन के पकौड़े में, बेसन जब भी हम बैटर बनाएंगे तब, क्योंकि ना फिर पानी अगर ज़्यादा होगा ना तो पूरी मेहनत ख़राब, और पकौड़े का बैटर है ना जो पूरा ख़राब हो जाता है। हाँ घट होता है ना तो हम थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन पतला होगा ना तो उतना ही हमें फिर बेसन मिलाना पड़ेगा, बेसन फिर बैटर बच जाता है। तो इसके लिए जितना हो सके उतना पानी कम कम डाल के आप बैटर बनाएं, तो बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही स्मूथ होता है। और जितना घट होता है ना बेसन, उतना अच्छे पकौड़े फूलते हैं और बनते हैं। तो देखिए मैंने ना पतला नहीं, एकदम घट भी नहीं, एकदम मीडियम रखा है, और बहुत मज़े के पकौड़े बने थे माशाल्लाह। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने डाले तिल। तिल ना मैं हमेशा इसके लिए डालती हूँ आलू के पकौड़े में, क्योंकि तिल बहुत मज़े आती है खाने में, वो जब आता है ना बहुत अच्छा लगता है, और इसका एक लुक भी आ जाता है पकौड़े पे। सिंपल से आलू के पकौड़े में आलू का बेसन फेटो और फिर आलू कतली डाल के फ्राई करो, वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। हाँ कभी कभी बना लेती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादातर ना इस तरीके के बनाने बहुत अच्छा। मेरे आलू के पकौड़े में आपको कभी भी तिल मिलेगी, मैं तिल डालती हूँ। अपने आप लोग अगर मेरे चैनल पे जो जूने सब्सक्राइबर जो है मेरे, अगर वो देखे होंगे वीडियो, तो मैंने हर टाइम मैंने तिल डाला ही है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से पतली पतली स्लाइस कर लिया। अब पकोड़े के मैंने क्या किया, छोटे से फ्राई पैन में मैंने ऑयल गर्म कर लिया, और प्याज के पकोड़े उस तरीके से मैंने फ्राई करूँगी थोड़े थोड़े करके, क्योंकि फिर ना बड़ी कढ़ाई में मैंने कर लिया चिकन KFC का, तो मैंने बोला अब ऑयल को थोड़ा सा बचा था, तो नया ऑयल मैंने इसमें बना लिया। अब कल छान के फिर यूज़ में वो आ ही जाता है नेक्स्ट डे। वेस्ट तो हमें कुछ भी नहीं करना है, देखिए हर चीज़ हमें ना बहुत संभाल के और बहुत अच्छे से यूज़ करना है, कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए आलू के पकोड़े भी बन गए हमारे, और प्याज के भी बन रहे, और यहाँ पे आज उमेरा ने बना दिया था मैंगो मस्तानी तो सबके लिए। तो माशाल्लाह देखिए अफ्तारी हमारी 25वें रोज़े की अफ्तारी रेडी हो गई, प्याज के पकौड़े भी बन गए, KFC चिकन भी बन गया, आलू के पकौड़े भी बन गए, और फ्रूट भी हमने कट कर लिया। तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो देखिए थोड़ा बनाने की कोशिश में ना अल्लाह इतनी बरकत दे ही देते हैं कि वो थोड़ा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो दस्तरखाने ना भर ही जाता है जितना चाहे अगर हम ना, वो ऐसा होता ही नहीं है, अल्लाह की बरकत ऐसी रहती कुदरती ना कि वो दस्तरखान भरा भरा ही माशाल्लाह लगता है। तो देखिए तीन ही चीज़ मैंने आज बनाई, लेकिन फिर भी देखिए माशाल्लाह लग रहा है ना भरा भरा। तो यही तो अल्लाह की शान होती, इसी को तो बोलते हैं बरकत, है ना, माह रमज़ान बरकतों वाला महीना। बहुत खुशी होती, लेकिन है ना एक तरफ से इतना दुख हो रहा है ना, बस 4 दिन ही बचे ऐसा लग रहा है कि अब ये दिन के लिए ना पूरा साल हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो बस देखिए बच्चे दुआ कर रहे हैं, सब दुआ मांग रहे हैं, तो आप लोग भी ज़रूर जल्दी जल्दी बना के दुआ करें, और इस दिन इस टाइम पर जो दुआ मांगते हैं ना वो ज़रूर कबूल होती है। हम सब की और हर एक की जाए दुआ कबूल करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।